फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एपिकल्चर के। एपिकल्चर क्या होता है और हनी वी क्या होता है और एपिकल्चर में क्या किया जाता है और ये हनी वी का क्या रोल होता है एपिकल्चर में, तो डिटेल्स में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि हनी वी क्या होता है। एपिकल्चर मीन्स होता है बी कीपिंग, इज द मेंटेनेंस ऑफ द हनी बी कॉलोनीज बाय द ह्यूमंस इन ऑर्डर टू कलेक्ट प्रोडक्ट्स लाइक हनी, बी वैक्स, प्रोपोलिस, इट्स ए लोकेशन वेयर बी क्लोनीज आर केप्ट इज कॉल्ड एन एपियरी और बी यार्ड। जहाँ हम लोग एक जो लोकेशन होता है जहाँ हम लोग बी को कलेक्शन करते हैं उसको हम बोलते हैं बी यार्ड। हनी बी आर हायर ऑर्गेनाइज सोशल इंसेक्ट एंड देयर सिस्टमैटिक पोजिशन एज द प्लोनी। ये हनी बी होता है जो सोशल इंसेक्ट होता है, जिसको हम बोल सकते हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट होता है। तो चलिए, यह होता है इसका किंगडम होता है जो एनिमीला हो जाता है, फाइलम होता है जो ऑर्थोपोडा होता है, क्लास होता है जो इंसेक्ट क्लास का आता है, ऑर्डर होता है जो हेमनोप्टेरा होता है और फैमिली होता है जो एपिडी होता है और जीनस होता है जो एपिस होता है। तो इसका स्पीसीज ऑफ हनीबीज, इसका हम स्पीसीज पढ़ते हैं। ये बेसिकली 5 स्पीसीज के होते हैं। डिटेल से फिर हम एक एक स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पढ़ते हैं रॉक बी, जिसका बोटनिकल नेम होता है एपिस डोर्साटा। एपिस डोर्साटा होता है जो लार्ज साइज होता है और ये अपना कॉम बड़े बड़े बिल्डिंग और बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उसके ब्रांच में ये लगाते हैं ताकि वहाँ पर ह्यूमंस को पहुँचना मुश्किल हो सके। ये बहुत एग्रेसिव नेचर का होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग नहीं पाल सकते हैं। प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हनी वी, जो हनी वी इसका जो प्रोडक्शन हनी वी का होता है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है। यानी बोले तो एपिकल्चर का सबसे जो एपिस डोर्साटा होता है इसका हनी वी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ये एक साल में 36 केजी पर ईयर पर कॉम में हनी वी प्रोडक्शन करता है। सेकेंड पढ़ते हैं द इंडियन बी, जिसका साइंटिफिक नेम होता है एपिस रेना इंडिका। इसका साइज होता है जो मीडियम होता है और ये भी अपना छत्ता बिल्डिंग्स और पिलर्स कॉम्ब इन कल्टिवेटेड ऑफ ट्री ट्रंक अर्थपोर्ट वगैरह में लगाते हैं। दिस बी इज नॉट ए फ्रेशियस एंड कैन बी डोमेस्टिकेटेड। इसको हम लोग पाल भी सकते हैं। ये इंडियन बी होता है जो एक साल में 5 केजी पर कॉम्ब पर ईयर यानी प्रोडक्शन करता है। तीसरा पढ़ते हैं द लिटिल बी, ये साइज में सबसे छोटा होता है। इसका वो साइंटिफिक नेम होता है एपिस फ्लोरिया होता है जो अपना कॉम्ब को छोटे छोटे झाड़ियाँ और घर के छोटे छोटे जो जगह होता है स्पेस होते हैं वहाँ पे अपना लगाते हैं। इसका कॉम्ब का साइज होता है जो छोटा होता है और इसका जो एक साल में हनी भी प्रोडक्शन होता है जो 0.5 kg होता है। हनी यील्ड इज पुअर, यही जो हनी यील्ड होता है वो पुअर होता है। चौथा हम लोग पढ़ते हैं द यूरोपियन बी, जिसका साइंटिफिक नेम होता है एपिस मेलिफेरा होता है जो एपिकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसी वेराइटी को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि ये एग्रेसिव नेचर के भी नहीं होते हैं और इसका हनी प्रोडक्शन होता है जो एक साल में 35 kg पर कॉम प्रोडक्शन होता है और इसको आसानी से हम लोग जो एपिकल्चर जो भी करते हैं वो एक बॉक्स में आसानी से इसको डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। दिस हैज़ बिन इंट्रोड्यूस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, इट इज़ ईजली डोमेस्टिकेट। आगे हम लोग पढ़ते हैं द बी कॉलोनी, बी का कॉलोनी कैसा होता है और इसमें कौन कौन से होते हैं। जो ये फिगर में आप देख रहे हैं ये वर्कर हैं, ये जो देख रहे हैं क्यून है और ये जो देख रहे हैं ड्रोन है। जो इसमें क्यून होता है जो सबसे बड़ा साइज होता है, उसके बाद जो आता है ड्रोन आता है और उसके बाद होता है जो वर्कर होते हैं जो सबसे छोटे साइज होते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ये हनी वी कॉलोनी हैज़ 3 castes, इसको 3 castes में डिवाइड किया गया है। पहला आता है क्यून, दूसरा आता है बर्कर और इस तीसरा होता है ड्रोन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्यून के बारे में कि क्यून कैसा नेचर का होता है और ये कौन सा एग से डेवलप किया जाता है। तो क्यून बी इज द ओनली फर्टाइल फीमेल इन कॉलोनी। क्यून एक ऐसा होता है जो सिर्फ फर्टाइल, जो एक ही होता है जो फर्टाइल एग से डेवलप फीमेल होता है। सी इज लार्जेस्ट इन साइज, इसका साइज होता है जो सबसे बड़ा होता है। नो वैक्स ग्लैंड, इसमें वैक्स ग्लैंड नहीं होते हैं
और इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 3 से 4 साल होता है। मेनी ले एग्स एट द रेट ऑफ 1500 to 2000 पर जो एक दिन में होता है, जो 1500 से 2000 अंडे को हैच करते हैं एक दिन में देते हैं। ड्रोन, अब ड्रोन का क्या काम होता है, ड्रोन को हम बारे में पढ़ते हैं। ड्रोन आर द मेल मेंबर ऑफ द क्लोनी, ड्रोन होता है जो क्लोनी का मेल मेंबर होता है। ड्रोन कैन लिव अप अबाउट 60 डेज, इसका जो लाइफ साइकिल बोले तो 60 डेज होता है। स्टिंग एंड वैक्स ग्लैंड एब्सेंट, इसमें स्टिंग और वैक्स ग्लैंड होता है जो दोनों को दोनों एब्सेंट होते हैं, या डंक भी नहीं मारते हैं। जब स्टिंग ही नहीं होगा तो डंक कहाँ से मारें। डेवलप फ्रॉम द अनफर्टाइल एग, ये अनफर्टाइल एग से डेवलप होते हैं। द स्लो ड्यूटी ऑफ ड्रोन ऑफ द फर्टाइल फर्टिलाइज्ड द विगेन क्यून, ये जो इसका मतलब हुआ कि जब ये एक बार फीमेल से रिप्रोडक्शन करते हैं उसके बाद ये डेथ हो जाते हैं, उसके बाद ये नहीं बचते। और ये एक कॉलोनी में बोले तो 50 से 60 मेंबर, 50 से 60 ड्रोन होते हैं। अब वर्कर्स के बारे में पढ़ते हैं। वर्कर्स हैव वेल डेवलप्ड स्टिंग एंड हिंड लेग्स हैव पोलन बास्केट फॉर द कलेक्शन पोलन, जो वर्कर्स होते हैं जो जो जिसमें स्टिंग्स होते हैं और उसके पीछे जो पीछे वाले पैर में देखिएगा, अगर आसानी से देखिएगा तो उसमें एक बैग होता है जिसको हम बोलते हैं पोलन बास्केट। उसमें जो फ्लावर्स को उससे जितने भी पोलन को कलेक्ट करते हैं वो उसमें बैग में भर के उसके बाद कॉम्ब में ले जाकर उससे हनी प्रोडक्शन करते हैं। द परफॉर्म डिफरेंट ड्यूटीज डिपेंड अपॉन देयर एज विच आर फ्लोइंग, जो वर्कर्स का जो ड्यूटी होता है जो डिफरेंट डिफरेंट एज में डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर कोई भी वर्कर्स का जो उम्र है या एज है वो 1 से 14 दिन का है तो उसका काम होगा एक्टिविटी इनसाइड द हाइव सच एज क्लीनिंग द हाइव फीडिंग द लार्वा इटीसी, इसका काम होता है जो छत्ते को साफ सुथरा रखना और छत्ते पे ध्यान रखना। और जो जिसका उम्र 14 से 20 दिन का होता है वो उसका काम होता है गार्ड द इंट्रेंस ऑफ द हाइव, जो मतलब जितने भी जो छत्ता होता है उसके ऊपर गार्ड करना, देख रेख करना। और जिसका उम्र 21 से 35 दिन तक होता है उसको काम होता है फ्लावरिंग दैट इज कलेक्शंस ऑफ नेक्टर एंड पोलन फ्रॉम द सराउंडिंग, जो वातावरण से जो पोलन को कलेक्शन करना होता है, नेक्टर को कलेक्शन करना होता है, वो सब काम होता है जिसका उम्र 21 से 35 वर्ष होता है। ऐसे बोलें तो कि जो 1 से 20 डेज तक जिसका भी उम्र होता है वो उसका हाइव के अंदर ही ड्यूटीज होता है। और जिसका उम्र 21 से 35 डेज से ज़्यादा हो जाता है उसका काम होता है जो ड्यूटी होता है जो बाहर जो सराउंडिंग में आ जाता है। अब लाइफ साइकिल देखते हैं। लाइफ साइकिल एंड डेवलपमेंट, 7 डेज ओल्ड वर्जिन क्यून गोज आउट फ्रॉम हाइव अलोंग विथ सम ड्रोन फॉर मेटिंग, दिस इज कॉल्ड न्यूपटल एंड और मैरिज फ्लाइट। इसका मतलब हुआ कि जो 7 दिन का पुराना जो वर्जिन क्यून होता है वो मीटिंग इसको बोलें तो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए छत्ते से बाहर जाती है, उसके पीछे पीछे जितने सारे ड्रोन होते हैं वो जाते हैं और वे आपस में फाइट करते हैं और जो एक बचता है वही उसके जो रानी के साथ मेटिंग करता है। ओनली वन ड्रोन मेट विथ क्यून एंड सी इज स्टोर स्पर्मोफोर इन हर स्पर्मेटोफेस, जो एक मेल बच जाता है वो उससे क्यून होती है जो मेटिंग करती है और उसका जितना भी सीमेन होता है वो उसमें कलेक्ट कर लेती है। उसमें एक बैग होता है जिसको हम सीमेन बोलते हैं स्पर्मेटोफेस, उसमें कलेक्ट कर लेती है। मेटिंग टेक्स प्लेस वाइट फ्लाई एंड आफ्टर मेटिंग ड्रोन डाइज एंड सी क्यून रिटर्न इन द हाइव, जब मीटिंग करने के बाद जो मेल होता है जिसको ड्रोन बोलते हैं वो मर जाते हैं, उसके बाद जो क्यून होता है जो वापस छत्ते में चली जाती है। द क्यून हैज एबिलिटी टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम हर स्पर्मेटस, जिसको बोलते हैं स्पर्म को स्टोर करने वाला बॉक्स,
जो क्यून होता है उसमें एबिलिटी होता है कि वो स्पर्म को कब रिलीज करना कब नहीं रिलीज करना। ये जो फिगर में देख रहे हैं वो जो वैक्स होता है जो कॉम्ब में एक कैसे कैसे बने होते हैं, जो एक कॉम्ब होता है इसमें ये अपना अंडे को प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद ये लार्वा डेवलप होता है, लार्वा के बाद ये प्यूपा में कन्वर्ट होता है और प्यूपा में कन्वर्ट होने के बाद ये एडल्ट स्टेज में पहुंच जाता है, उसके बाद ये जो बाहर वाला होता है इसको कट करके ये बाहर निकल जाते हैं। अभी इसका इक्विपमेंट पढ़ते हैं कि किस किस इक्विपमेंट से हम लोग हनी बी कलेक्ट कर सकते हैं और कौन और इसका मेथड कैसे कैसा होता है वो हम लोग पढ़ते हैं। कॉम्ब फाउंडेशन मिल यूज टू प्रिंट नेचुरल सेल साइज ऑफ डिजर्ट कॉम्ब फाउंडेशन सीट। इस कॉम्ब का सीट को फाउंडेशन करने में हेल्प करता है, उसके साइज को प्रिंट करने में हेल्प करता है। सेकेंड है बी व्हील यूज फॉर प्रिवेंटिंग वी सीटिंग ऑन फेस एंड नेक। ये जो देख रहे हैं ये बी व्हील है, ये जो देख रहे हैं आप कॉम्ब फाउंडेशन मिल है, और ये थर्ड है स्मोकर, ये जो देख रहे हैं ये स्मोकर इसको यूज टू क्लैम डाउन एंड बी वाइल ओपनिंग द हाईवे। इसके द्वारा जब स्मोक छोड़ा जाता है तो वी होते हैं जो हाइव से हट जाते हैं। फोर्थ है अनकैम्पिंग नाइफ, अनकैम्पिंग लार्ज साइज नाइफ यूज टू अनकैम्प द फ्रेम्स बिफोर हनी एक्सट्रैक्शंस। ये जो नाइफ होता है यह हनी को निकालने में हेल्प करता है। हनी एक्सट्रैक्टर्स इट इज यूज फॉर एक्सटेंशन ऑफ हनी फ्रॉम कॉम्ब एंड फाउंडेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। प्रोडक्शन ऑफ एपिकल्चर, एपिकल्चर का प्रोडक्शन कैसा होता है इसके बारे में, इसके बारे में क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला हनी बी प्रोड्यूस हनी फ्रॉम द नेक्टर्स एंड प्लांट्स थ्रू एंजाइम्स एक्टिविटी रेगुलेशन एंड वाटर इवोपरेशन। इसका यूज किस चीज़ में होता है, फूड में, दूसरा होता है मेडिकल में। जो हनी का यूज होता है पहला फूड में होता है, फूड में हनी इज न्यूट्रिएंट्स फूड रिच इन एंजाइम एंड विटामिन। हनी में ज़्यादा मात्रा में एंजाइम्स और विटामिन होते हैं, और इसका मेडिकल में यूज किया जाता है। इट इज यूज टू प्रिवेंट कोल्ड कॉज ऑफ फीवर। अब हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ हनी, जैसे कि इसको मैं इसका क्या क्या कंपोजिशन है तो वो हम लोग पढ़ते हैं। इसमें लेविलोज होता है जो 38.9% होता है, डेट्रोस होता है जो 21.8% होता है, मेल्टोस एंड अदर शुगर्स होता है जो 8.81% होता है, इंजाइम्स एंड पीजन मिनट्स होता है जो 2.21% होता है, वाटर होता है जो 17.20% होता है। ये अक्सर कंपटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं वी वैक्स। वी वैक्स क्या होता है, वी वैक्स इज ए इज सेक्रेटेड बाय द वैक्स ग्लैंड लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लास्ट फोर एब्डोमेन सेगमेंट ऑफ द वर्कर वी। जो वर्कर्स वी होते हैं उसके 4 से 7 सेगमेंट होते हैं, उसमें वी वैक्स का निर्माण होता है। इसका यूज वी वैक्स का यूज किस चीज़ में होता है, तो सबसे पहले मार्केटिंग, मेकिंग ऑफ कैंडल जो मोम बनाने में, कैंडल बनाने में यूज किया जाता है, यूज ऑफ क्रीमी लोटेंस लिपस्टिक्स, लिपस्टिक्स वगैरह में, लिपस्टिक्स वगैरह में काम जो वुमेंस का जो होता है लिपस्टिक्स उसमें यूज किया जाता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉम्ब फाउंडेशन, उसके बाद वैक्स फाउंडेशन इन अपीयरेंस, जो इसके बाद हम लोग रॉयल जेली के बारे में पढ़ते हैं। रॉयल जेली क्या चीज़ होता है, तो रॉयल जेली ग्रैंडुलर सीक्रेटेड ऑफ यंग वर्कर्स वी 4 to 10 डेज ओल्ड प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंजियल ग्लैंड इज इन द हेड। जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स भी होते हैं, वो जब यंग होते हैं तो उनको प्रोड्यूस किया जाता है। ये जो इस देख रहे हैं ये रॉयल जेली होता है। रॉयल जेली आजकल मार्केट में भी उपलब्ध है, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसमें ज़्यादा होते हैं, विटामिन वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, यूज इन टर्मिनेंट ऑफ द डायबिटीज ओसीटोपोरोसिस ईटीसी। इट आल्सो
एड्स इन द हेलिंग वॉन्ड एंड वुड्स इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी को मजबूत करता। उसके बाद विवेनम, विवेनम क्या होता है, विवेनम इज ए विटर कलरलेस लिक्विड, एक कलरलेस लिक्विड होता है कंटेनिंग प्रोटीन्स विच कॉज लोकल इन्फॉर्मेशन इन्फ्लेमेशन। इसका यूज क्या चीज होता है, यूज विवेनम इज ए गिवन एज ए सॉल्ट फॉर रिमेटॉइड आर्थ्राइटिस नर्व्स फ्लेंस। इसका मतलब होता है जो ये मल्टीपल सेलुलोज स्क्लेरेसिस, अब हम लोग पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ विवेनम, इसका कंपोनेंट क्या क्या है, उसमें परसेंटेज ऑफ विवेनम कितना कितना होता है। मेलिटिन जो होता है 30-50% होता है, फॉस्फोलिफेन ए होता है जो 10-20% हो जाता है, एपिमीन होता है जो 3% हो जाता है, हलोरियोडेसिस होता है जो 2% होता है, मास्ट सेल डर्ग्यूनिलेटिंग प्रिपेटीज होता है जो 2% हो जाता है, हिस्टेमिन होता है जो लेस देन 1% होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रोपिल्स, प्रोपिल्स क्या होता है, प्रोपोलिस होता है, इट इज द रिजिनस मिक्सचर दैट हनी वी प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग सिलेवा एंड वी वैक्स एंड एक्सीडुएट गेदर्ड फ्रॉम टी वर्ड्स, ये टी वर्ड से कलेक्ट किया जाता है और ये फिर इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इसका यूज किस चीज़ में होता है, इट इज यूज्ड बाय वीज टू सेल अनवांटेड स्पेसेस इन हाइव, जो इसका अनवांटेड स्पेस होता है उसको भरने में यूज किया जाता है। यूज ऑफ ट्रीट कॉज एंड थ्रोट इरीगेशन इरीटेशन वी इनेमिज एंड डिजीज, वी का कौन कौन सा इनेमिज होता है और कौन कौन से इसमें डिजीज होते हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आज तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वी का इनेमिज एंड डिजीज को बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।